नमस्कार, मैं विनीता मालावत। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की खास उपायों के बारे में। जब आर्टरी पर ब्लड का दबाव सामान्य से ज़्यादा हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति बन जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के चलते ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है। इस कारण लोग अन्य बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। कभी कभी यह मौत का कारण भी बन सकता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास नुस्खे, जिससे आपको हाइपरटेंशन से जरूर राहत मिलेगी। इसके लिए आपको चाहिए तरबूज के बीज की गिरी और सफ़ेद खसखस, दोनों को बराबर मात्रा में लेकर अलग अलग पीस कर मिक्स करके रख लें। अब इसे 3 ग्राम यानी 1 चम्मच की मात्रा में सुबह और शाम खाली पेट सेवन करें पानी के साथ में। इससे ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल में रहेगा ही, साथ ही रात को नींद भी अच्छी आएगी और इससे सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। तरबूज के बीज की गिरी खाते रहने से हाइपरटेंशन कम होता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल पिघलकर पतला होकर रिलीज हो जाता है। ब्लड वेसल्स की स्टिफनेस कम होकर सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनने लगती है। इस मिक्सचर को ज़रूरत के अनुसार 3 से 4 वीक तक ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा उपाय है, साबुत मेथी दाना को पीस कर रख लें। इसे 1 चम्मच की मात्रा में सुबह और शाम खाली पेट पानी के साथ में इस्तेमाल करें। 10 से 15 दिन में ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। साथ ही यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा कच्चे लहसुन की 2 से 3 कलियाँ लेकर छील लें। 1 लहसुन की कली के 3 से 4 टुकड़े करें। अब इन टुकड़ों को मॉर्निंग में खाली पेट चबा चबा कर पानी के साथ में खाएं। इस विधि से कच्चे लहसुन का इस्तेमाल करने से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शीघ्रता से घटने लगती है। रक्तचाप कम करने में और ट्यूमर बनने से रोकने में यह बेजोड़ उपाय है। लहसुन खाने की ये कारगर विधि है। चाहे तो आप खाना खाने के बाद भी इसी तरह से लहसुन के टुकड़े करके पानी के साथ ले सकते हैं। चाहे तो लहसुन में 2 मुनक का बीज निकाल कर उसमें लपेट कर चबा कर खाएं। यह ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर देता है। तो इन नुस्खों का ज़रूर इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।